नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हुई इंटरसिटी एक्सप्रेस उज्जैन स्टेशन रुकने के बाद जैसे ही दिल्ली के लिए रवाना हुई, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल ट्रेन छूटने के साथ जल्दबाजी में महिला ने ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान महिला गेट में फंस गई। इससे पहले अनहोनी हो पाती उसे रेलवे कर्मचारी ने खींच कर बाहर निकाल लिया, जिससे महिला की जान बच गई। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसको लेकर अब रेलवे अधिकारी लोगों से एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि चलती ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश ना करें, यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। पश्चिम रेलवे के उज्जैन स्टेशन पर कल दिनांक 8 जनवरी को इंदौर से नई दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के उज्जैन स्टेशन से रवाना होते समय एक महिला यात्री द्वारा चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने पर वो ट्रेन के नीचे आते आते एक हमारे रेलवे कर्मचारी जो कमर्शियल क्लर्क है भूपेंद्र सिंह, उसने उनको बचाया और ट्रेन को रोककर उनको उस ट्रेन में आगे के लिए रवाना किया और उनको समझाइश दी कि कभी भी चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए और अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसके साथ में रेलवे अनाउंसमेंट के द्वारा भी समय समय पर लोगों को समझाइश दी जाती है कि चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना अपराध है और उससे आपकी जान जा सकती है। तो कल हमारे एक रेलवे कर्मचारी द्वारा एक महिला यात्री को बचाया गया चलती ट्रेन में चढ़ते समय।